दौरान नाका चेकिंग क्रालपुरा पुलिस स्टेशन के इलाके में एक कार को रोका गया, जिस कार के चेकिंग के दौरान ये दो शख्स जो है गिरफ्तार किए गए, एक बहुत बड़े नारकोटिक्स के कंसाइनमेंट के साथ में। इनके नाम है जमीर अहमद रहना, सन ऑफ मोहम्मद इसराइल रहना, उम्र करीब 28 साल। दूसरे का नाम है रियाज अहमद बदान, सन ऑफ अब्दुल कायूम बदान, उम्र कोई 23-24 साल। ये दोनों रहने वाले हैं अमरोही गांव करना के। इनके पास से करीब 19 किलो ब्राउन शुगर बरामद हुआ है, जिसके इंटरनेशनल मार्केट में यदि हम स्ट्रीट प्राइस यदि उसकी कंपेयर करें तो 70-80 करोड़ तक हो सकती है। इस तरह का ये बड़ा कार्रवाई करने में पुलिस को एक कामयाबी मिली है। कुपवाड़ा ज़िला पुलिस की तरफ से नारकोटिक्स को लेकर, इस तरह की नशीली दवाई, नशीली सब्सटेंसेस को लेकर एक बहुत एक मुहिम हमने छेड़ रखी है। लगातार इसमें हम लोग नकेल कसने में कामयाब हो रहे हैं और आगे चलकर भी इसमें इसी तरह की कार्रवाई जो है हम करते रहेंगे। इस पर्टिकुलर कैच के बाद जो है इस पूरे नारकोटिक्स के सप्लाई के नेटवर्क को हम इसमें ध्वस्त करेंगे और आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ से कुपवाड़ा के लोगों को, कुपवाड़ा के आवाम को इस नारकोटिक्स के प्रॉब्लम से राहत देने के लिए हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। आपको लगता है डेफिनेटली ये जो इस तरह का जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही सामने आया है कि ये कंसाइनमेंट पाकिस्तान से आया है। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है, उसी साथ साथ यहाँ की समाज का ताना बाना बिखेरने के लिए, यहाँ की पूरी बर्बाद कौम को बर्बाद करने के लिए, यहाँ का मुस्तकबिल ख़राब करने के लिए भी पाकिस्तान कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और उसी कोशिश में जो है, उसी फिराक में पाकिस्तान जो है इस तरह की नशीली जो चीज़ें हैं वो हिंदुस्तान में पंप करता रहता है। मगर उनके इस इरादों को फेल करने के लिए हम यहाँ पर पूरी चौक चौबंद लगे हुए हैं। सारी सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर इस चीज़ को, और सारी इंटेलिजेंस फोर्सेस भी एजेंसी जो है सारी मिलकर इस चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म करने में आप देखेंगे कि आने वाले समय में हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी।